सुना जाओ। कुछ ही पलों में 0.7 मैक की गति से मंच के सामने अभिनंदन कीजिए देवी और सज्जनों। बहुत संयम और कौशल की जरूरत होती है इस प्रकार का मनोरंजन करने के लिए। चीते की भाग लेते हुए ऊपर देख रहे हैं, आकाश की बुलंदियों तक पहुंचने वाले हैं ये हमारे फाइटर्स। Ladies and gentlemen, a big round of applause to our underwater warriors who have successfully destroyed the enemy oil rig. देवी और सज्जनों, हम शांति के पुजारी भी हैं और युद्ध के विजेता भी। हतो वा प्राप्तसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्षसे महीम। हेलीकॉप्टर आर द कोर रिक्वायरमेंट्स फॉर सक्सेस इन एनी स्पेशल ऑपरेशन। अब हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ान भर रहा है और आप देख सकते हैं चोड़ी में हमारे मरीन कमांडो हवा में लहरा रहे हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन कीजिए। तिरंगा ध्वजासाठी प्राण पणाला लावणारे मरीन कमांडो शत्रु सीमे पलीकडची कामगिरी फटे करून मातृभूमीवर परत आहेत। चला त्यांचे जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया। Naval aviation forms a key part of our operations to support the fleet in achieving its objectives. Ladies and gentlemen, today you will catch a glimpse of the might of the Naval Air Arm, wherein a variety of our aircraft will fly past the dais. The Navy aur sajjano kram mein agle helicopter swadesh mein nirmit advanced light helicopter ALH hain jo Bangalore mein bane hain. ALH 300 km prati Ladies and gentlemen, on your left side you can see Farmov 31, also known as Flying Falcon, who will be returning to its mothership INS Tabar on completion. सत्ता पर ही नहीं वरन आकाश से जहां किसी भी दिशा से दुश्मन हमला कर सके कहा जाता है। सीकिंग 42 ब्रावो इस समय मंच के सामने आता हुआ प्रमा इसमें शमनो वरुणा भारतीय नौसेना का मोटो है जिसका अर्थ है हे वरुण देव हम पर कृपा दृष्टि बनाए रखिए। बी स्पीशियस और टू बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर फर्स्ट कैच रिवर्ट को दाना रहे ये सुपर क्लैप्स को After the dazzling performance of precision drill, marching up on stage with confident strides are the future of our country. Ladies and gentlemen, the Sea Cadet Corps. समुद्री सीमा की रक्षा के संकल्प के साथ उन्होंने गठित किया एक मजबूत मराठा समुद्री बेड़ा मराठा नौदल। वो मराठा नौदल भी भारतीय नौसेना के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना। सुना है मैंने ये भी कि कैसे अंग्रेजों ने भारत के समुद्र तटीय निवासियों की सैन्य कुशलता का लाभ उठाते हुए एक नौसेना का गठन किया। साल बीते, सदियां गई, सदी बीसवीं आई, परंतु युद्ध समाप्त होने के पश्चात
रॉयल इंडियन नेवी के जाबाज भारतीय नौसैनिकों ने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी।